तो भाइयों जा रहे हैं मैक्लोडगंज धर्मशाला और होटल पर रुकी है बस। दिखाता हूँ तुम्हें पूरा सिस्टम। ये होटल है एक ढाबा। मैक्लोडगंज जा रहे हैं भाई, दो दिन की छुट्टी है तो घुमाए जरा, दिखाता हूँ तुम्हें। ये ढाबा है भाई देखो, और ये हमारी टीम बैठी हुई है रोटियों के इंतजार में। देखो जैसे भेड़िए बैठे होते हैं ना, भेड़िए बैठे होते हैं बोटी के इंतजार में, ये देखो रोटी के इंतजार में बैठे हैं। खाली मंगा लिए, रोटी नहीं आई है, देखा तक तक आनी रोटी पे है एकदम। ठीक है भाई, तो कहाँ जा रहे हैं भाई, फिर बता दो। मैक्लोडगंज धर्मशाला। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अनलिमिटेड थाली मंगाई थी हमने, अनलिमिटेड। रोटियां नहीं आई है, रोटियों का इंतजार कर, चावल खेल रहे हैं बस, चावल ही चावल खा रहे हैं भाई। तो एक बात बोलना चाहूँगा, खाना जो है ना भाई का, दो पैसे का है, खाने का मज़ा नहीं आया। तो कभी भी अनलिमिटेड थाली करें तो सोच समझ के करें कि थाली कैसे आने वाली है। आधे घंटे से रोटी के इंतजार बैठे पर रोटी नहीं आई, चावल भी चावल खाए जा रहे हैं। ठीक है भाई, ये भी चावल खा रहे हैं लौंडे। रोटी कहाँ है भाई? ये देखो सूरज की स्पीड देखो चावलों में, ये देखो तनादन है भाई, ये लाए ये ऐसे। ठीक है भाई, तो भाई खाना दो पैसे का लगा तो इसलिए पेटीज ये ले ली हमने, सैंडविच। अब इससे पेट भरेंगे अपना, रोटी नहीं आई, चावल ही चावल खाए। ठीक है भाई, तो कभी भी बाहर आओ सफर में तो सोच समझ के खाना भाई, लौंडों के लिए, सबके लिए, किसी का पेट नहीं भरा। सबने ये ले लिया हमने, ये रहे सैंडविच। ठीक है भाई, मैं डाल दी। और भाई ये ले रहे हम चाय, सुबह सुबह हो गई है भाई, बढ़िया। भाई सब दिखा दे। ठीक है भाई, आने वाले हैं धर्मशाला, सुबह का टाइम है, चाय चल रही है गर्मा गर्म, और ये पकौड़े चल रहे हैं गर्मा गर्म, शानदार। तो भाई आ गए हम धर्मशाला, अब यहाँ से जाएंगे मैक्लोडगंज। ठीक है भाई, यहाँ बस का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ से सीधे जाएंगे मैक्लोडगंज, वहाँ रुकेंगे, वहाँ करेंगे इंजॉय। तो बस आने को है उसके इंतजार में। ये धर्मशाला का बस स्टैंड है, देख लो भाई, ये रहा पीछे पूरा धर्मशाला, पहाड़ी एरिया पूरा। जो आ गए मैक्लोडगंज, और ये हमने कैब करी हुई है, और काफ़ी रश है यहाँ पे छुट्टी की वजह से, देखो आगे तक जाम हो रहा है। ये मैक्लोडगंज है, अब हम जा रहे हैं ऊपर वाटरफॉल की तरफ। ठीक है भाई, चलो वहाँ का नज़ारा बहुत ही अलग होगा। तो भाइयों आ गए हम मैक्लोडगंज, ये देखो भाई नज़ारा, और काफ़ी रश है आज, क्योंकि संडे और 2 अक्टूबर की छुट्टी दो एक साथ पड़ गई, तो भीड़ बहुत है, चारों तरफ गाड़ियाँ गाड़ियाँ, दिल्ली की ज़्यादातर है। ठीक है, और ये देखो सामने पहाड़ी, बहुत ही शानदार। गर्मी ना ज़्यादा सर्दी है ना गर्मी है, नॉर्मल मौसम है, धूप निकल रही है पर इतना पता नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब रूम लेने के लिए जा रहे हैं, ये अपने दो भाई आ रहे हैं पीछे, ये आ रहे हैं देखो कैब लगा के, ये रहा भाई, ये विनय ठाकुर और ये अमन ठाकुर। बहुत ही बेहतरीन है नज़ारे भाई साहब, गजब नज़ारे हैं, गजब। और भीड़ बहुत है, पर पीछे तक देखो एकदम भीड़ ही भीड़ है भाई, तगड़ी वाली। मैक्लोडगंज चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, ये देखो मार्केट है भाई यहाँ की, गोलगप्पे यहाँ पे भी है, मतलब वाओ। मैक्लोडगंज के बंदे गोलगप्पे कब से खाने लगे। रूम की तलाश में चले जा रहे हैं, ये मार्केट है, समझ नहीं आ रही, अजीब अजीब से कपड़े मिल रहे हैं। हमारे समस्या आ रहे हैं भाई, दिल्ली वालों के समस्या आ रहे हैं चीज़ें। तो भाई ये है होटल, ये देखो पीछे, और ये है भाई जन्नत, देखो कितना प्यारा नज़ारा है सामने, एकदम बिल्कुल पहाड़ बने हुए हैं बढ़िया बढ़िया।
और ये होटल व्यू बहुत अच्छा होने वाला है बिल्कुल। तो मैं विंडो से दिखाऊंगा, पहले एक बार रूम मिल जाए जब, ठीक है? रूम के जुगाड़ में घूम रहे हैं अभी। तो भाई देखो भाई नज़ारे, और ये मिल गया हमें रूम। ये रहा भाई हमारा, देखो रूम, ये हमारा रूम है भाई, ठीक है? अब बालकनी दिखाता हूँ मैं भाई, देखो ये हमारी है बालकनी, ये देखो भाई कहाँ पूल कहाँ है, बहुत गंदा हो रहा है। अच्छा सामने, अच्छा वो देखो, देखो बंदे ना रहे। ये देखो भाई ये हमारा भाई, जो हमारी बालकनी है बहुत प्यारी है, सामने का व्यू बहुत अच्छा है, ठीक है भाई? ये हमारा रूम आ गया, देखो है चीज। तो भाई ये आ गई हमारी चाय, रूम में ही आई है भाई, ये देखो भाई चाय। और ये चल रहे भाई पराठे दनादन, ये देखो पराठे चल रहे हैं भाई, ये देखो पराठे और चाय पहाड़ों पे, वो भी सही है पराठे। चलो तो भाई खाओ फिर भाई। लोकेशन ऐसी है देखो, ये पूरे पहाड़ है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट पूल बना रखा है कि आओ और नहाओ। ये देखो भाई चारों तरफ शानदार जबरदस्त। ये देखो ये अपनी टीम आ गई पूरी, स्वाफी वाफी लेके, कच्चा हाथ में लौंडे के, ये आ गए भाई पूल पे नहाने के लिए। ये देखो नज़ारा भाई, शानदार नज़ारा मकलोड़गंज का, यहाँ आएंगे भाई पूल पे, ठीक है जी, एक नंबर। चल ये देखो भाई सामने झरना, ये देखो वहीं जा रहे हैं पास में हम, कितना प्यारा व्यू आ रहा है एकदम, और सभी लोग वहीं जा रहे हैं। मकलोड़गंज में आओगे तो ये सबसे खास जगह है, वाटरफॉल, और बहुत ही अच्छा सुंदर नज़ारा है। देखो ये देखो बहुत ही बढ़िया, भाई कभी मकलोड़गंज आओ ना, ये देखो मकलोड़गंज, और ये सामने झरना है। यहाँ के फेमस हैं ये छोटे वाले गुलाब जामुन, भाई एक प्लेट लगाना जरा गुलाब जामुन, ये लो भाई ये छोटे वाले गुलाब जामुन है। कितने भाई कितने के हैं ये? ये 40 की प्लेट है, 40 की प्लेट, 40 में कितने आएंगे? 10 पीस दो। और ये क्या चीज है? ये सोन पापड़ी है, ये सोन पापड़ी। यार यार ये भी ले यार, ये भी चेक करनी मुझे। तो भाई मकलोड़गंज जाना है, अगर वाटरफॉल जाते टाइम ये भैया मिलेंगे रास्ते में यहीं पे, ठीक है? और ये देखो सामने ये रहा वो भाई वाटरफॉल, और ये व्यू बहुत ही प्यारा यहाँ मकलोड़गंज का। ये हमारे लग गए गुलाब जामुन है गर्मा गर्म, ये 40 रुपये के भाई। अरे यार हमारे यहाँ तो इतना बड़ा होता है, उसमें सारे के सारे मिल के जब एक बनेगा वो, हमारी इधर भी होता है भाई, तुम्हारे इधर भी होता है। हाँ जी ये बताएगा भाई कैसा गुलाब जामुन, बता कैसा भाई टेस्ट कैसा, सेम है कि मतलब थोड़ा अजीब है? हैं वो बात नहीं है, चलो ठीक है अभी चेक करता हूँ। बुढ़िया के बाल तो खिला दे क्या है? तो भाई कभी भी आओ तो ये यहाँ के फेमस है। ये देखो भाई बहुत ही प्यारा नजारा है। तो काफी चढ़ाई कर ली हमने, ये देखो रास्ता जा रहा है और सामने से रास्ता आ रहा है, देखो वो लोग आ रहे हैं, और अभी काफी दूर है वो, तो वाटरफॉल पे जाना मैं, देखो सामने ही रहा, ठीक है? बहुत ही सुंदर नजारा है देखो ऊपर। भाइयों देखो मकलोड़गंज का असली नज़ारा ये है भाई, देखो ये है मकलोड़गंज का असली नज़ारा, स्वर्ग एकदम। ये देखो पानी कितना साफ है, और बहुत ठंडा पानी है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा, जन्नत है एकदम भाई हकीकत में। ये देखो भाई पानी की आवाज़ कितनी बेहतरीन आ रही है, एक नंबर। भाई हमारी चाय आ गई है, और ये हमारी मैगी रखी है, और झरने के नीचे जो चाय पीने का मज़ा है ना, और मैगी खाने का मज़ा, वो कहीं नहीं है।
असली मजा मैगी खाने का, असली मजा मैगी खाने का झरने के नीचे ही है भाई। ये वाटरफॉल हो रहा है और मकलोड़गंज की शान है ये जगह। यहाँ वाटरफॉल में जरूर आना अगर मकलोड़गंज जाओ तो। बहुत अच्छी जगह है भाई, बहुत अच्छी जगह, सुकून है भाई। ठीक है भाई, तो भाई रात का समय हो गया है और हम निकल गए हैं मकलोड़गंज की मार्केट के। ये देखो भाई सामने मार्केट है, क्या नज़ारा है सामने का। और मार्केट अच्छी है यहाँ की। हम मार्केट में जा रहे हैं तो मार्केट दिखाऊंगा। ये देखो सामने का नज़ारा कितना अच्छा है। हमने डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, ये हमारा आ गया पिज़्ज़ा। अरे ना पिज़्ज़ा कहाँ हमारा, दिखाई जरा। ये लो भाई चार पिज़्ज़ा आ गए हमारे। खोल अपना एक बार चेक कर लो, दो रुक जाओ भाई चेक कर दो, माल असली है कि नस्कली। हाँ हाँ असली है। चलो भाई माल आ गया अपना। तो भाई हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया भाई, और ऑर्डर किया था हमने यहीं बैठे बैठे। ठीक है भाई, ये लो भाई ये रहा, चलो खाते हैं इसको। आपको पिज़्ज़ा पीना सर, ट्रैफिक जाम की वजह से लेट हो गया पिज़्ज़ा, तो थोड़ा ठंडा हो गया। बाकी पिज़्ज़ा बहुत अच्छा, अच्छा ठंडा हो गया। मज़ेदार है। ये देखो मार्केट है नीचे, ये देख रहे हो व्यू नीचे का। ये मकलोड़गंज की मार्केट नीचे है, यहीं जा रहे हैं हम। इधर रोड तो हो रहा है अंधेरा, ये टॉर्च चला रखे भी नहीं, ये गाड़ियाँ लगी हैं देखो लाइन से। तो भाई आ गई है मार्केट, ये देखो मार्केट है भाई मकलोड़गंज की। ठीक है, ये मार्केट है भाई, मार्केट अच्छी है यहाँ की। बहुत ही अटपटी चीज मिल रही है जो समझ नहीं आ रही कि मिल क्या रहा है और क्यों। ठीक है भाई, पूरा पहाड़ी एरिया।